हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया अर्थात भारत, जो हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम जो उल्लेख है वो इंडिया दैट इज़ भारत के नाम से है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली की भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका जो कानून बनाती है और कार्यपालिका जो उन कानूनों को एग्जीक्यूट कराती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के जो मूल हैं वो कुछ दिए गए हैं, जिनमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये सभी भारतीय संविधान के मूल हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगणमन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, जो 1911 में हुआ था, उसमें सर्वप्रथम जनगणमन को गाया गया था। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम के गायन का जो मानक समय होता है वो कितना है? 52 सेकंड का। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? केसी हुयर। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो किया जा सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी आसान नहीं है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी वेयर ने। अर्धसंघात्मक का मतलब होता है कि पूर्णतः संघात्मक राज्य नहीं है। संघात्मक जिसमें जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच होता है, इसमें जो केंद्र है उसको थोड़ा ज़्यादा पावर दी गई है, इसलिए केसी वेयर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता ही है, क्योंकि जनता ही वोट के थ्रू अपना जो नेता है उसको चुनती है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा।
ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हम कितना भी अच्छा संविधान बना लें, अगर उसको क्रियान्वित करने वाले लोग ही बुरे हैं तो संविधान बुरा ही बनेगा। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उनका कहना था कि जो केंद्र है और जो राज्य है उनके बीच बराबर शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। एस आर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।